हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं कि बेटा अजनबियों का दिया कुछ मत खाना, उनके साथ कहीं मत जाना। पहले एटलीस्ट इंडिया में तो ऐसा ही है, बट बात करें फॉरेन कंट्री की तो वहाँ ये सब बातें ख्याली पुलाव बनकर ही रह जाते हैं। इसी इंसिडेंट पर बेस्ड है ये हॉलीवुड मूवी, जिसको 2019 में रिलीज किया गया था, जो कि थ्रिलर और साइकोलॉजिकल हॉरर जॉनरा पर बेस्ड है। बात करें मूवी के प्लॉट की तो कुछ हाई स्कूल में पढ़ने वाले टीनेजर्स हैं जो इसी उम्र में पियक्कड़ बन चुके हैं, मगर भाई वहाँ के कानून के हिसाब से ये अभी अल्कोहल का सेवन नहीं कर सकते। मतलब ये सारे बंदे बंदी 18 साल से कम है, जिसके वजह से ये अल्कोहल नहीं खरीद सकते। ये दिन इनको मदिरापान करने का मन करता है और इनकी पीने की तलब तालाब में बदलती जा रही होती है। तो ये एक लेडी से हेल्प मांगते हैं अल्कोहल खरीदने के लिए। इस लेडी का नाम होता है शू एन। अब ये औरत इनकी मदद तो कर देती है, मगर फोन करके पुलिस को इनके कांड के बारे में बता देती है। पुलिस इन टीनेजर्स को ये कर्म कांड करते पकड़ लेती है, क्योंकि इन टीनेजर्स में से एक के फादर पुलिस होते हैं, तो ये सब जल्द ही छूट जाते हैं। अगले दिन शू एन इन टीनेजर्स से फिर से मिलती है और इनको अपने घर पर एक पार्टी के लिए इन्वाइट करती है, जिसमें फ्री के अल्कोहल और ड्रग्स मिलेंगे। अब ये भटके हुए टीनेजर्स फटाफट ये फ्री का ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहीं से इन नौजवानों के बुरे वक्त की शुरुआत हो जाती है। दरअसल सुवेन इन टीनेजर्स के पेरेंट्स की पहले की क्लासमेट थी, जो इनके पेरेंट्स के कुछ पुराने गलतियों का बदला उनके बच्चों से लेना चाहती है। आगे की स्टोरी बहुत थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग है, जिसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी, जिसका नाम है माँ, जिसकी IMDb रेटिंग 5.6 है।